हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है इंदु की जवानी। इंदु की जवानी जिसको डेब्यूटेंट डायरेक्टर अभी सिंह गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और इसकी कास्ट में है कियारा आडवाणी, आदित्य शील एंड मल्लिका दुआ। इस मूवी को रिलीज किया गया था 11 दिसंबर 2020 को थिएटर्स में और ये रिसेंटली 2 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है। क्या इस मूवी की अच्छी बातें हैं, क्या इस मूवी की खामियां हैं, क्या ये मूवी देखने लायक है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी है इंदिरा गुप्ता के बारे में, जिनको लोग प्यार से इंदु बुलाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में इंदु का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज इंदु अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए मना कर देती है। तो आगे क्या होता है कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है सोनल, प्लेड बाय मल्लिका दुआ, उनको एडवाइस देती हैं कि उन्हें किसी लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड या हुकअप कर लेना चाहिए बिकॉज ताकि उनका नेक्स्ट जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है उनको छोड़ ना दे। तो मूवी का प्लॉट काफी सिली लगता है और ये और सिली बनता है। इसके बाद इंदु डिंडर नाम का डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है जिसमें ये एक लड़के से मिलती है हुकअप करने के लिए और बाद में मालूम पड़ता है कि ये लड़का है वो पाकिस्तानी है। सो आगे की स्टोरी इसी बारे में है कि क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या इंदु खुद को इस सिचुएशन में से निकाल पाएगी। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो मूवी का कोई एक्टर आपके ऊपर लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है क्योंकि इस मूवी में किसी भी एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं है। अगर कियारा आडवाणी की बात की जाए जो इंदु का रोल प्ले करती है, जो मूवी में लीडिंग रोल है एज अ प्रोटैगनिस्ट, इनका कैरेक्टर काफी डिट्सी और काफी डम्ब और काफी ओवर द टॉप है। मतलब इस मूवी में इनका एक ही इंटेंशन है हुकअप करना या किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करना। मतलब एज दिस चुलबुली लड़की कियारा आडवाणी की एक्टिंग काफी फ्लैट लगती है। अगर आदित्य शील की बात की जाए तो आदित्य शील जो एक पाकिस्तानी का रोल प्ले करते हैं, वो मे और मे नॉट बी अ टेररिस्ट, उनको इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया और उनकी एक्टिंग भी फ्लैट है। उनको मतलब ना ड्रामेटिक सीन दिए गए हैं ना कॉमेडी सीन दिए गए हैं, सो उनकी एक्टिंग भी फ्लैट लगती है। अगर मल्लिका दुआ की बात की जाए जो इंदु की बेस्ट फ्रेंड यानी सोनल का रोल प्ले करती हैं, वैसे तो मल्लिका दुआ एज अ नॉन कॉमेडियन है बट इस मूवी में इनको जरा भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है। जब सिर्फ तभी इनका रोल दिखाया या कैरेक्टर दिखाया गया है जब इंदु को कोई सलाह या कोई एडवाइस की जरूरत होती है और काफी इनका कैरेक्टर काफी वियर्ड, काफी सिली, काफी नॉनसेंसिकल एडवाइस देता है। सो इनके कैरेक्टर का अच्छी तरह यूज किया जा सकता था। जो कियारा की बेस्ट फ्रेंड है सोनल, जिनका रोल मल्लिका दुआ ने प्ले किया है, पर इनको कॉमेडी के सीन भी नहीं दिए गए हैं। सो इनका कैरेक्टर एक स्टीरियोटिपिकल फैट बेस्ट फ्रेंड की तरह रह जाता है। तो इस वजह से मूवी के कोई भी एक्टर का आपके ऊपर लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मूवी का स्क्रीन प्ले काफी कंफ्यूज और काफी कॉन्वोल्यूटेड है। मूवी में पता ही नहीं चलता कि मूवी किस दिशा में जा रही है। इस मूवी को एज अ रोम कॉम प्रेजेंट किया गया है बट कुछ कुछ सीन्स में जैसे मूवी थ्रिलर टाइप, मिस्ट्री टाइप ऐसे सीन्स ऐड किए गए हैं जो मूवी में काफी अननेसेसरी, आउट ऑफ द प्लेस लगते हैं। मूवी में एक ट्विस्ट दिया गया है पाकिस्तानी टेररिस्ट का, जो इस मूवी में जैसे जरा भी फिट नहीं होता है। जैसे दूसरी कोई स्पाय थ्रिलर मूवी का हो ऐसा लगता है। सो ऐसे काफी सिली अननेसेसरी ट्विस्ट डाले गए हैं, सिली सीन्स हैं, काफी अन इंटेंशनली फनी सीन है। मूवी में एक लास्ट में सीन है जहां पे एक फाइट सीक्वेंस चल रहा है और साइड में जगराता चल रहा है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जरा भी पसंद नहीं आता है। ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो मूवी काफी बोरिंग है, काफी अनइंटरेस्टिंग है। अगर मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें कुछ कुछ सीन्स में आपको नींद भी आने लगती है तो मूवी जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। अगर आई नो दैट दिस मूवी इज कमर्शियल रोम कॉम बट इसके सॉन्ग भी जरा भी अच्छे नहीं है, या तो जो सॉन्ग अच्छे हैं वो रिमिक्स किए गए हैं। काफी अननेसेसरी मूवमेंट्स पे सॉन्ग डाले गए हैं। जो इस मूवी को रोमांटिक कॉमेडी पेश किया गया है बट इसमें इस मूवी में ना तो रोमांस है ना तो कॉमेडी है। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच केमिस्ट्री है बट इस एस्पेक्ट को जरा भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उनकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं की है, तो मूवी में जरा भी रोमांस नहीं है। अगर कॉमेडी की बात की जाए
तो मूवी में जरा भी हंसी नहीं आएगी, और जो जोक्स हैं वो या तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में है, या तो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी सेंसिटिव चीज के बारे में है, या तो जिहादी के बारे में है। सो इन सीन्स में भी आपको जरा भी हंसी नहीं आएगी। तो मूवी में ना रोमांस है ना कॉमेडी है, एक तरह से मूवी में कुछ नहीं है, काफी बोरिंग लगेगी आपको ये। आपको ना तो इस मूवी के कैरेक्टर्स याद रहेंगे, ना तो स्क्रीन प्ले याद रहेगा, ना स्टोरी, ना सीन्स, या आपको इस इट्स अ फॉरगेटफुल मूवी। सो द ओनली रीजन आई वॉच दिस मूवी बिकॉज नेटफ्लिक्स पे ये 24 आवर्स में सेकेंड नंबर पे थी। सो डू योर सेल्फ अ फेवर, अगर आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा भी है फिर भी इस मूवी को मत देखना। इन द एंड आई विल गिव दिस मूवी 1.5 stars out of 5। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मूवी एंड वेब सीरीज रिव्यू के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।